कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है? भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है, तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माता जी को पांव छू के आए, देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ मेरी माँ को याद था और वो जी मुझे बता रही थी। जी हाँ और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के जी कारण जी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं लेकिन समय की जरूर इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी।